हस्ताक्षर बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार की सरकार ने फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत किया हासिल। विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाए गए अवध बिहारी चौधरी। नीतीश कुमार पर बोले तेजस्वी यादव, थके हुए नेता को हमने दौड़ाया। आरजेडी के 3 विधायकों ने बदला पाला। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार पर शिखर धवन ने दी प्रतिक्रिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार की सरकार ने फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत किया हासिल। बिहार में एनडीए की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। पक्ष में 129 वोट पड़े, वहीं राजद के 3 विधायकों ने अपना पाला बदल दिया। आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, इस कारण विपक्ष में 0 वोट पड़े। जदयू के नेता विजय चौधरी के आग्रह पर उपाध्यक्ष ने मतदान की प्रक्रिया शुरू की थी। एनडीए की सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया है। सदन की कार्यवाही के दौरान तेजस्वी यादव ने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा। राजद नेता ने यह भी कहा कि भाजपा बिहार में महागठबंधन की सरकार से डरी हुई थी। केके पाठक ने चुनाव में कर्मी की ड्यूटी को लेकर दिया आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने चुनाव में कर्मी की ड्यूटी को लेकर आदेश दिया। उन्होंने कहा है कि दूसरे विभाग से ड्यूटी लगाने के बाद अगर कर्मी कम पड़ जाए तो शिक्षा विभाग से लिया जा सकता है। जिला अधिकारी को कहा गया है कि पहले शिक्षा विभाग से कर्मियों को लिया जाता था, इसके बाद कमी होने पर दूसरे विभागों से इसे पूरा किया जाता था, लेकिन अब इस परंपरा को छोड़ देना चाहिए। केके पाठक ने डीएम से कहा है कि मतगणना और ईवीएम रखने के लिए अन्य विभागों के भवनों पर ध्यान दिया जाए। सभी विभाग के संसाधनों को बराबरी से लेना चाहिए और जिला प्रशासन को ये संदेश देना चाहिए। केके पाठक ने कहा है कि शिक्षा विभाग के संसाधन का उपयोग संतुलित रूप से करना चाहिए। आरजेडी के 3 विधायकों ने बदला पाला। बिहार विधानसभा के फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के 3 विधायकों ने अपना पाला बदल लिया। ये सत्ता पक्ष के साथ बैठे दिखाई दिए। शिवहर से राजद के विधायक चेतन आनंद, मुकामा से राजद विधायक नीलम देवी और सूर्यगढ़ा से आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव सत्ता पक्ष के साथ दीर्घा में बैठे नजर आए। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही के पहले चेतन आनंद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं कार्यवाही के शुरू होने से पहले आरजेडी ने अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि चेतन आनंद और नीलम देवी को वोट नहीं करने की धमकी दी गई। बिहार में हर साल अक्टूबर के महीने में लगेगा कृषि यांत्रिकरण मेला। बिहार में अब हर साल अक्टूबर के महीने में कृषि यांत्रिकरण मेला लगाया जाएगा। कृषि सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दशहरा के बाद किसान खाली रहते हैं और धान कटने के दौरान कृषि यंत्रों की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है। वहीं राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले के बाद अब जिला स्तर पर भी इसे लगाया जाएगा। पैक्स और कृषि समूहों को कृषि यंत्र देने की तैयारी की जा रही है। कृषि के अवशेष जलाने के बदले उसे खाद के रूप में उपयोग करने को लेकर सरकार प्रेरित कर रही है। विधानसभा के अध्यक्ष पद से हटाए गए अवध बिहारी चौधरी। बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और ये पास हो चुका है। हां के लिए 125 वोट पड़े जबकि नहीं में 112 वोट डाले गए और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के पद से अवध बिहारी चौधरी हटा दिए गए। बहुमत के आधार पर इन्हें इनके पद से हटाया गया। अवध बिहारी चौधरी ने कुर्सी को छोड़ दिया। महेश्वर हजारी ने सदन की कार्यवाही की जिम्मेदारी संभाली और इसके बाद अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए वोटिंग की गई। इधर अवध बिहारी चौधरी ने पूर्व की महागठबंधन की सरकार को मौका देने के लिए धन्यवाद दिया है। बिहार में कई ट्रेनें हुई कैंसिल। बिहार में कई ट्रेनें कैंसिल की गई है, वहीं कई ट्रेनों का मार्ग डाइवर्ट हुआ है। इसमें पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है। बताया जाता है कि सोननगर यार्ड रिमॉडलिंग और सोननगर अंकोड़हा तृतीय लाइन के कमीशनिंग को लेकर ये बदलाव किया गया है। बड़का काना डेहरी ऑनसोन पैसेंजर स्पेशल, बड़का काना वाराणसी मेमू पैसेंजर स्पेशल, बरवाडी डेहरी ऑनसोन बरवाडी पैसेंजर स्पेशल आदि ट्रेनों 23 फरवरी तक रद्द है। वहीं हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस और सियालदह अजमेर एक्सप्रेस आसनसोल क्यूल पटना डीडीयू के रास्ते से चलाई जाएगी। नीतीश कुमार पर बोले तेजस्वी यादव, थके हुए नेता को हमने दोहराया। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमने थके हुए नेता को दौड़ाने का काम किया है। चुनाव में इन्होंने कहा था कि नौकरी देने के लिए पैसे कहां से आएंगे। हमारी महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में नौकरी देने का काम किया, इच्छा शक्ति से काम किया जाता है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि रामायण के दशरथ की तरह नीतीश कुमार की मजबूरी रही होगी। दशरथ ने भगवान राम को वनवास के लिए भेज दिया था, हालांकि हम इसे वनवास नहीं मानते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। इंटर की परीक्षा का आज आखिरी दिन। बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा का आज आखिरी दिन है। 1 फरवरी से परीक्षा की शुरुआत हुई थी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई। ये परीक्षा दोपहर के 12:45 तक चली।
इसमें विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय के विषयों की परीक्षा ली गई। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर के 2 बजे से शुरू हुई है। ये शाम के 5:15 तक निर्धारित है। इसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के अलग अलग विषयों की परीक्षा होगी। आपको बता दें कि 15 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है। ये एग्जाम 23 फरवरी तक चलेगी और 1528 केंद्रों पर 16,00,000 परीक्षार्थी मैट्रिक के एग्जाम में शामिल होंगे। इसके लिए 1500 से अधिक सेंटर का निर्माण किया गया है। लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट। लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्रालय की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। डीप फेक का प्रयोग कर अफवाह फैलाने की संभावना जताई गई है। आर्थिक अपराध इकाई अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया यूनिट को अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही सभी साइट्स पर लगातार नजर रखने के लिए कहा गया है। ईओई की विशेष टीम, गृह मंत्रालय की विंग, सीईआरटी और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से संपर्क में है। कोई भी संवेदनशील सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई का आदेश है। राज्य स्तरीय विशेष टीम ने पूरे मामले पर नजर बनाए रखा है। एक्सपर्ट की टीम ने सोशल मीडिया के सभी कंटेंट्स पर नजर बनाकर रखा हुआ है। आपको बता दें कि डीप फेक की मदद से वीडियो या फोटो में बदलाव होता है। वीडियो में किसी व्यक्ति के आवाज से भी छेड़छाड़ हो सकती है। इसका प्रयोग किसी की छवि को बिगाड़ने या फिर अफवाह फैलाने के लिए किया जाता है। गोपालगंज में अपने पैतृक गांव में क्रिकेटर मुकेश कुमार ने की परिजनों से मुलाकात। गोपालगंज के सदर प्रखंड के काकड़कुड़ गांव में निवासी क्रिकेटर मुकेश कुमार अपने पैतृक गांव पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपने परिजनों से मुलाकात की है और इसके साथ ही उन्होंने चुन्नागिरी क्रिकेट अकादमी में गेंदबाजी का अभ्यास किया। यहाँ पर वो अपने शुरुआती दिनों में प्रैक्टिस किया करते थे। फिलहाल गेंदबाज ने यहाँ क्रिकेटरों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और इसके बाद वो राजकोट के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर इंग्लैंड से होने वाले मैच में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुकेश कुमार ने अब तक कई स्टेट मैच खेले हैं और इसके अलावा उन्होंने आईपीएल और इंटरनेशनल मैच भी खेला है। नालंदा में भीड़ के हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल। नालंदा के हिलसा अनुमंडलीय उत्पाद विभाग की टीम सूचना के आधार पर छापेमारी करने के लिए गई थी। पुलिस ने इस्लामपुर थाना क्षेत्र के शरीफबाद में शराब को जब्त किया और इसके बाद शराब तस्करों को छुड़ाने के लिए सहयोगी और साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं यहां जमी हुई भीड़ ने भी पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी हुई। इसमें प्रभारी थाना अध्यक्ष पुष्पा कुमारी, श्रीकांत पासवान, राजेंद्र पासवान समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि पुलिस ने 3 शराब तस्करों को पकड़ लिया है। पटना के कृषि भवन में बनेगा मीडिया सेंटर। पटना के कृषि भवन में मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय किसानों को सूचना तकनीक के जरिए कृषि संबंधी जानकारी मुहैया कराएगा। मीडिया सेंटर के जरिए किसानों को आसानी से बागवानी, कीट प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन, खाद से अधिक उपयोग से होने वाले नुकसान आदि की जानकारी दी जाएगी। किसानों के लिए चलाए जाने वाली योजनाओं की भी जानकारी किसानों को दी जाएगी। फिलहाल राज्य सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। सरकार की अनुमति मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कृषि भवन में इंटरनेट रेडियो सेंटर की भी शुरुआत होगी। मालूम हो कि किसान तक देरी से सूचना पहुंचने पर उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दिल्ली से पटना जाने के दौरान पुल में फंसा हवाई जहाज। औरंगाबाद में नेशनल हाईवे 19 पर बारून थाना क्षेत्र के रेलवे ब्रिज के ऊपर बैरिगेट में एक हवाई जहाज फंस गया। दिल्ली से पटना जाने के क्रम में यहां पर हवाई जहाज फंस गया था। इस कारण वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान हवाई जहाज का 2 अलग अलग हिस्सा वाहनों पर लदा हुआ था। ये बारून रेलवे स्टेशन पर फंस गया था। इस बात की जानकारी मिलते ही पुल निर्माण विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हवाई जहाज को निकालने का प्रयास किया गया। वहीं ये घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। राज्यसभा के लिए दोबारा टिकट नहीं मिलने पर सुशील मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व का आभार जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी में ऐसे बहुत कम कार्यकर्ता होंगे जिन्हें 33 सालों तक चारों सदनों में भेजा गया हो। सुशील मोदी ने कहा है कि काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी के आभारी और सदैव पहले की तरह काम करेंगे। आपको बता दें कि सुशील मोदी को साल 2000 में राज्यसभा भेजा गया था। फिलहाल उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इसमें पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता भीम सिंह का नाम शामिल है। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार पर शिखर धवन ने दी प्रतिक्रिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई और इसके बाद शिखर धवन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भारतीय जूनियर टीम को सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत एक भी मैच नहीं हारा था और उसके बाद भारत ने फाइनल में जगह बनाई थी। शिखर धवन ने टीम को सपोर्ट किया है और कहा है कि क्रिकेट में हार एक हिस्सा है।
ये कोई मंजिल नहीं है। धवन ने आगे कहा है कि भारतीय अंडर 19 टीम इस हार को बड़ी कामयाबी के रूप में बदले। मालूम हो कि फाइनल में भारत की हार के बाद सभी फैंस निराश नजर आ रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार विश्व कप का खिताब हासिल किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन के बॉक्स में लिखकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, सुभाष यादव, गुलाब सिंह, मोहम्मद शकीर हुसैन, दिलीप सिंह, अहमद, दीपू चंद्रा, अंकित सिंह, सदुल्ला पालवी, रंजीत मिश्रा, कंचन कुमारी, जयमाला कुमारी, कुंदन मंडल, रवि कुमार, रमन, मनीष राजपूत, रवि शंकर, नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने को लेकर आपकी राय क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।